नमस्कार। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अब बनकर लगभग तैयार हो गई है। 182 मीटर ऊंची यह विशाल प्रतिमा 7 किलोमीटर की दूरी से भी आपका ध्यान खींच सकती है। यह प्रतिमा भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि यह प्रतिमा देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई से 2 गुनी और रियो दी जेनारियो में क्राइस्ट द रिडीमर से 4 गुनी होगी। न्यूयॉर्क शहर की पहचान स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 93 मीटर है, जबकि रियो दी जेनारियो की क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा की ऊंचाई 38 मीटर है। इस स्टैच्यू के निर्माण से जुड़े एक अधिकारी बताते हैं कि यह विशाल प्रोजेक्ट अब अपने मुकाम तक पहुंचने वाला है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाए जाने की घोषणा के बाद सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंटीग्रेशन ट्रस्ट का गठन किया गया था। साल 2014 में गुजरात सरकार के कंस्ट्रक्शन का ठेका एक मल्टी फर्म कंसोर्टियम को सौंप दिया गया। इस कंसोर्टियम में माइकल ग्रेव्स आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन एंड टर्नर कंस्ट्रक्शन, जो कि इससे पहले दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बना चुकी है, शामिल हैं। अब मूर्ति लगभग पूरी हो चुकी है। इसका इनोग्रेशन 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर किया जाएगा। क्योंकि यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होगी तो इससे देखने के लिए भी देश विदेश से लोग आएंगे। इससे गुजरात के पर्यटक उद्योग के बढ़ने की भी पूरी संभावना है। अभी गुजरात का पर्यटन उद्योग 17% प्रति साल के दर से बढ़ रहा है। बता दें कि गुजरात में पर्यटन अहमदाबाद के अलावा सोमनाथ, द्वारका, गिर जंगल देखने के लिए भी आते हैं। दोस्तों, ये थी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जुड़ी एक छोटी सी अपडेट। अगर आप कभी भविष्य में गुजरात जाते हैं तो आप इसे ज़रूर विज़िट करें और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें। साथ ही साथ आपको हमारे ये अपडेट कैसा लगा ये भी हमें बताएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टूडेज़ फॉर मोर वीडियोज़।